नमस्ते, मेरे शाहोजी सुस्वादु चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी है कतला मछली के साथ गोभी के कोरमा। सुनने में तज्जब लग रहा है ना? हाँ, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल और एक रेसिपी है। मैं जो एक्सपेरिमेंट करके नया नया रेसिपी बनाते रहती हूँ, ये भी और एक एक्सपेरिमेंटल मेरा ओन रेसिपी है। बहुत स्वादिष्ट बना था, इसलिए आज आप लोगों को साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। एक ठो भगोनी में पानी देके, एक चुटकी गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच घी देके गोभियों को काट के उबाल लेंगे पानी के साथ। ढक के एक ठो उबाल आने के बाद बंद कर देंगे। ऐसा करके घी, थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। ऐसा करके घी और गरम मसाला पाउडर देने से सीजन का लास्ट में जो गोभियों को स्मेल अच्छा नहीं रहता है वो चला जाता है। मछलियों को, चार पीस मछलियों को नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर दे के मिला के 5 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक एक तो कटोरी में 2 बड़ा चम्मच दही, 1/4 टीस्पून नमक, 1/3 टीस्पून करके हल्दी, मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर देके अच्छे से मिला के तो उबले हुए गोभी उसको इसको साथ मिला के मैरिनेट करके रखेंगे। छान लिया था पानी को। और अगर आप प्याज लहसुन से ये बना चाहते तो भी अच्छा लगेगा। इसी अवस्था में थोड़ा सा प्याज और लहसुन का पेस्ट दीजिए। एक ठो मिक्सर ग्राइंडर में 6 ठो काजू, 1 बड़ा चम्मच मगज के बीज, पानी दे के आधा कप उसको भिगो के रखें। 5 मिनट बाद इसको पेस्ट बना लेंगे। तब तक कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल के मछलियों को अच्छे से फ्राई करेंगे। एक साइड हो जाने के बाद पलट के और एक साइड। अगर आपको सरसों का तेल अच्छा नहीं लगेगा तो आप एनी वेजिटेबल ऑयल से भी एक काम कर सकते हैं। अच्छे से फ्राई करके उठा के 1 छोटा चम्मच घी डाल के 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर दिया, देने के साथ साथ ही वो मैरिनेट किए हुए गोभियों को डाल देंगे। नहीं तो वो मसाला अगर जल जाए तो स्वाद अच्छा नहीं बनेगा। ढक के चूल्हा को धीमी करके, चला के बार बार से धीमी करके रख के, ढक के चला के उठा के ढक्कन को ऐसा करके इसको तहल लेंगे। लो फ्लेम में रख के ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा कसूरी मेथी 1/2 छोटा चम्मच दे के वो जो काजू मगज के बीज का पेस्ट किए थे उसको डाल दिया। इसको भी मिला के अच्छे से तहल लेंगे। एक कप पानी वो जो कटोरी में मैरिनेट किए था उसको धो के दे दिया। दे के एक एक करके मछलियों को डाल देंगे। चूल्हा को धीमी किया करके रखा। और एक रेसिपी आप रोहू फिश से भी कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा लगेगा। ढक के अभी ढक्कन उठा के हरा मिर्च दे के फिर से ढक के लो फ्लेम में रखेंगे। ड्राई रोस्ट किए हुए धनिया और जीरा को पाउडर बना के ऊपर से फैला देंगे। चाहे तो आप धनिया पाउडर और जीरा पाउडर को भी भून के ऊपर से फैला दे सकते हैं। चूल्हा को बंद करके फिर से पलट देंगे
मछलियों को पलट के ढक के स्टैंडिंग टाइम 2 से 3 मिनट रखेंगे। देखिए ना बन गया, कितना स्वादिष्ट, देखने में ही पता चल रहा है लेकिन आप लोगों तक खुशबू नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए इसके खुशबू और स्वाद दोनों को पाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। और बना के अगर मेरे को बताइए कैसा बना ये रेसिपी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मैं आप लोगों पे आभारी हूँ, आप सब ने बहुत ही प्यार से मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किए हो, और ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।